नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर श्रावस्ती से। पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार मौर्य द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री केशव चंद गोस्वामी व क्षेत्र अधिकारी नगर इकोना श्री अतुल चौबे के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार तिवारी थाना इकोना में टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम पंचायत सचिवालय शिवाजोत के पीछे कुछ दूरी पर यूकेलिप्टस की बगिया से अभियुक्तगढ़ दिनेश यादव पुत्र काशीराम यादव निवासी मध्यनगर मनोहरापुर थाना इकोना जनपद श्रावस्ती रिंकू विश्वकर्मा पुत्र रामदयाल विश्वकर्मा निवासी खोरनिया थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती को अवैध शस्त्र निर्माण करते हुए अवैध शस्त्र निर्माण करने में प्रयुक्त सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्त रामदयाल विश्वकर्मा पुत्र गुरुवचन विश्वकर्मा निवासी उदयपुर थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती मौके से फरार हो गया। अभियुक्त गढ़ो के विरुद्ध थाना इकोना पर मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। फरार अभियुक्त रामदयाल विश्वकर्मा की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगा दी गई हैं। थाना इकोना पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4 तमंचे, 5 अर्धनिर्मित तमंचे, 9 नाल, कुछ कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रतिबंधित बोर के हैं। इसके अलावा बहुत सारे उपकरण जो तमंचे बनाने में प्रयोग होते हैं वो सारे बरामद किए गए हैं। एक अभियुक्त मौके से भागने से सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। टीम के उत्साहवर्धन के लिए 15,000 रुपये की धनराशि पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रावस्ती ब्यूरो चीफ मनोज कुमार की रिपोर्ट।